माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से कितने छोटे से हैं ये भी इंशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और ये मैंने जो है पहली दफ़ा ही निकाले हैं, वो भी अचानक से मुझे वो मिल गए थे अंडे। और ये जो है जंगली तीतारे जो वहाँ पे होते हैं जंगलों में उनके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो आज मैं आप लोगों को चीज़ अपने चैनल पे दिखाने वाला हूँ वो आप लोगों ने इससे पहले मेरे चैनल पे या मेरे फार्म पे वो आज तक नहीं देखी होगी, वो आज तक मैंने वो चीज़ पाली नहीं है, तो वो मैंने पहली दफ़ा मेरे पास आई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वैसे भी आप लोगों को थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा। तो असल में मुझे कुछ दिन पहले अपने फार्म के पास, वहाँ पर जो है आसपास थोड़ा सा जंगल का एरिया है, तो वहाँ पर मुझे मिले तीतर के अंडे। वहाँ पर तीतर ने जो है घोंसला बनाया हुआ था, तो वो तीतर भी वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो तीतर उड़ गया था, लेकिन जो है उसके चार अंडे वहाँ पर पड़े हुए थे, तो उसमें से फिर मैंने देखा एक टूटा हुआ था। तो फिर मैंने उसमें से क्या किया, उसमें से तीन अंडे जो बचे हुए थे वो मैं ले आया अपने साथ घर पे, और घर पे मैंने जो है उन अंडों को रख दिया इंक्यूबेटर में। अब जब मैंने उनको इंक्यूबेटर में रख दिया तो उसमें से एक हफ्ते बाद तीनों अंडों में से माशाल्लाह से आज ही मुझे आवाज़ें आने शुरू हो गई इंक्यूबेटर में से एक हफ्ते बाद। तो मैंने उनमें से देखा माशाल्लाह आज उनमें से बच्चे निकल आए हैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं तीतर के, और बटेर के जैसे बच्चे होते हैं, बटेर मैंने पहले पाले हुए हैं वैसे ही बच्चे हैं तीतर के, बिल्कुल सेम टू सेम हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अभी मैं चलता हूँ इनक्यूबेटर में, आप लोगों को दिखाता हूँ तीतर के बच्चे कैसे हैं। तो अभी जो है मैं आ गया हूँ इनक्यूबेटर के पास, ये मैंने इनक्यूबेटर खोल लिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइट भी अभी जल गई है, टेम्परेचर कम हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। इसमें जो है काफ़ी सारे टर्की और डग्स के भी, बड़ी डग्स के भी हमने अंडे रखे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों के हैं, चीनी मुर्गी के भी इसमें अंडे हैं। तो अभी उनका टाइम पूरा नहीं हुआ है, वो जैसे ही निकलेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को पता होगा। तो ये देखें, ये जो है तीतर का अंडा था जिसमें से बच्चा निकल चुका है, और भी दो तीन हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। तो अब माशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके बच्चे दिखाता हूँ, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। तो ये जो है मेरे पास जो बच्चे थे ये देसी के, कुछ अंडे यहाँ पर देसी के भी रखे हुए हैं, तो उसमें से निकले हैं ये वाले बच्चे, ये देख सकते हैं आप लोग, एक ये वाला है और एक और बच्चा है देसी का, वो ये वाला है, ये दोनों हो गए देसी के। अब जो मैं आप लोगों को तीतर के बच्चे दिखाने वाला हूँ, माशाल्लाह तीन तीन हैं वो, आप लोग ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से कितने छोटे से हैं ये भी इतने ही एज का चिक है जितनी एज का ये है, लेकिन आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं कितना, ये तीतर का कितना छोटा चूज़ है और ये वाला जो है देसी मुर्गी का कितना बड़ा है, जबकि इनकी एज एक ही है, ये दोनों आज ही निकले हैं। तो इनमें आप लोग देखें माशाल्लाह, और इनके तीतर के अंडे भी बहुत छोटे छोटे से थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, जिसमें से ये जो चूज़े जो निकले हैं बहुत छोटे अंडे थे, तो बच्चे भी उसमें से छोटे छोटे ही निकले हैं। तो अभी मैं इनको हाथ में पकड़ के आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से इसके छोटे छोटे चूज़े हैं। तो इन चूज़ों को और इनको मैंने अभी फ्लैशिंग वगैरह करा दी है। यही थी आज की वीडियो आप लोगों को दिखाना था। उसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं देसी के जो अंडे हैं उसमें से उन पर मैंने डेट वेट लिख दी थी, तो उसमें से भी अभी इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। बाकी इन अंडों को मैं एक दफ़ा हिला देता हूँ, अभी इनमें भी हो सकता है शायद टूट रहे हों, और एक अंडा जो है मैंने देखा था, ये देखें यहाँ पर ये अंडा जो है थोड़ा ख़राब हो गया, ये पहले ही टूट गया, तो ये अंडा हो गया ख़राब, इसको अभी मैं उठा लेता हूँ। और उसके अलावा एक अंडे में से आधा मतलब अंडा तोड़ा हुआ था, वो बच्चा था उसमें वो मर गया था, वो भी असील का अंडा था, तो वो भी ज़ाया हो गया। तो ये आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं आप लोगों को ये तीतर के बच्चे कैसे लगे, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और ये मैंने जो है पहली दफ़ा ही निकाले हैं, वो भी अचानक से मुझे वो मिल गए थे अंडे। और ये जो है जंगली तीतर जो वहाँ पर होते हैं जंगलों में उनके बच्चे हैं, और ये इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे पास पल जाएं और ये माशाल्लाह बड़े हो जाएं, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये बड़े होके कैसे होंगे। ये देखें माशाल्लाह, तो काफ़ी छोटे छोटे से हैं, अब मैं इनको ज़्यादा तंग नहीं करता, बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें हीट रहे, अभी बल्ब भी एक लगाया हुआ है, दूसरा वाला जो है थोड़ा ख़राब हो गया था बल्ब, तो अभी बल्ब भी एक लगाया हुआ है, इनको अभी बंद कर देते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते ताकि इनक्यूबेटर में भी हीट रहे, क्योंकि इनको ठंड नहीं लगनी चाहिए।
तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये जो है माशाल्लाह से तीतर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।